हमारा जो आज का टॉपिक है वो चैप्टर फोर के लिक्विड पोर्शन का लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है लिक्विड क्रिस्टल्स। ये छोटा सा मगर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस वगैरह काफ़ी हद तक आ जाते हैं। अब लिक्विड क्रिस्टल्स होते क्या हैं? हमें पता है कि सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ये होती हैं कि सॉलिड के अंदर जौन से आपके पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स या जिनसे भी मिलके वो सॉलिड आपका बना हुआ है, उसके अंदर एक ऑर्डर या पैटर्न मौजूद होता है जिसको हम सॉलिड कहते हैं। और ये ऑर्डर और पैटर्न ख़ास तौर पे कौन से सॉलिड्स के अंदर मौजूद होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर। ये आगे सॉलिड्स के जब हम पोर्शन में जाएंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरी टाइप से उनसे हैं सॉलिड की, उसको हम स्टडी करेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो बेसिक तरीन प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि उनके अंदर एक ऑर्डर या पैटर्न मॉलिक्यूल्स का मौजूद होता है, मतलब कि मॉलिक्यूल्स किसी ना किसी पैटर्न के अंदर उसके अंदर अरेंज हुए होते हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स का क्या मतलब है? कि जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, वो उनके करैक्टरिस्टिक होते हैं। मतलब ये कि एक अगर सॉलिड जो कि क्रिस्टलाइन है और अपनी प्योर फॉर्म में है, तो वो अपने फिक्स मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, शार्प मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर ही मेल्ट करेगा, उससे ऊपर या उससे नीचे मेल्ट नहीं करेगा। सपोज़ मैं कहता हूँ मेरे पास एक ए सॉलिड है जो कि 300 डिग्री सी के ऊपर मेल्ट करता है, तो जब भी मेरे पास ए प्योर फॉर्म के अंदर मौजूद होगा वो 300 ही पे मेल्ट करेगा, ना वो 300 से पहले मेल्ट करेगा ना वो 300 के बाद मेल्ट करेगा। हाँ, अगर इम्प्योर है तो फिर चेंजिंग आएगी। प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स शार्प होते हैं। ये तो थी उनकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी। अब लिक्विड क्रिस्टल की तरफ आते हैं। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपके बुक में वो बता रहा है जी, आपके पास 1888 के अंदर फ्रेडरिक रेनेट्ज़र, ये एक ऑस्ट्रियन, ऑस्ट्रिया इज़ अ कंट्री इन यूरोप, ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट था, बॉटनिस्ट। बेसिकली बॉटनिस्ट वो लोग होते हैं जो बॉटनी को स्टडी करते हैं, प्लांट्स को स्टडी करते हैं। तो वो एक अपनी स्टडी के दौरान एक कंपाउंड को स्टडी कर रहा था जिसका नाम आपकी बुक में भी मेंशन है, दैट वाज कोलेस्टेराइल बेंजोएट। ये सब्सटेंस को जब वो स्टडी कर रहा था तो उसने इसको जब देखा कि जब हम इसको मेल्ट करते हैं, जब इस सॉलिड को हम मेल्ट कर रहे होते हैं, तो जब 145 डिग्री सी के ऊपर वो पहुंचा तो जो ओवरऑल लिक्विड की शक्ल थी दैट वाज मिल्की लिक्विड। मिल्की का मतलब है वाइटिश, थोड़ा थोड़ा मिल्की कलर का लिक्विड था। लेकिन जैसे ही ये टेम्परेचर बढ़ा और 179 डिग्री सी पे पहुंचा, तो आपका जो सा लिक्विड था वो मिल्की नहीं रहा, वो क्लियर ट्रांसपेरेंट लिक्विड आपका बन गया। इस प्रॉपर्टीज़ को उसने नाम दिया लिक्विड क्रिस्टल का। उसने क्या किया, जब इस कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट को वो मेल्ट कर रहा था तो जब टेम्परेचर 145 डिग्री सी पे पहुंचा तो ओवरऑल जो लिक्विड था वो मिल्की लिक्विड हो गया, उसके अंदर टर्बिडिटी आ गई। और जब वो बढ़ के 179 डिग्री सी पे पहुंचा तो वो क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। और सेम हैपन व्हेन उसने इसको ठंडा किया, जब वो रिवर्स प्रोसेस में गया तो जब 179 पे वो क्लियर लिक्विड था, फिर जब उसको ठंडा होता गया 145 पे आया तो वो मिल्की हो गया, और 145 से मज़ीद ठंडा हुआ तो वो सॉलिड फॉर्म में आ गया। तो इससे लिक्विड क्रिस्टल की डेफिनेशन सामने आती है कि एक ऐसा टेम्परेचर की रेंज आती है किसी भी कंपाउंड को जब आप मेल्ट कर रहे होते हैं, जिसके अंदर वो लिक्विड भी एग्जिस्ट कर रहा होता है और एज अ क्रिस्टल भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। मतलब लिक्विड और सॉलिड का एक ख़ास किस्म का मिक्सचर जो है लिक्विड की फॉर्म के अंदर मौजूद हो, उसको लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। मतलब उसके अंदर लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ भी हों और उसके अंदर सॉलिड या क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद हों, तो इस फेज़ को जो थोड़ी देर के लिए एक ख़ास टेम्परेचर की रेंज के दरमियान एग्जिस्ट करता है, उसको हम
लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी कि ये हमारे सामने किस तरीके से आया। अब ये तो क्लस्टरल बेंजोएट की एक एग्जांपल थी। वो कहते हैं जी इसके अलावा काफ़ी सारे और भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं जो कि लिक्विड फेज में आने से पहले टर्बिडिटी शो करते हैं। टर्बिडिटी का मतलब क्या है कि मिक्सचर ऑफ क्रिस्टल एंड लिक्विड, ना पूरी तरह लिक्विड वो फॉर्म में होते हैं ना वो पूरी तरह सॉलिड फॉर्म में होते हैं। जिस दौरान वो मेल्ट हो रहे होते हैं तो एक फेज़ आती है जिसमें वो के टर्बिडिटी शो करते हैं, वो टर्बिड होते हैं। और क्लियर लिक्विड बनने से पहले वो टर्बिडिटी, पहले टर्बिडिटी आएगी, पहले वो सॉलिड था, सॉलिड से आपने इसको हीट किया टर्बिड हो गया, मतलब मिक्सचर हो गया, और फिर वो क्लियर लिक्विड की फॉर्म में आ जाता है। तो ये जो टर्बिडिटी का फेज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल, और इसकी हम एप्लीकेशंस भी जो सी हैं वो देखेंगे। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ अगर जब हम आते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स की, लिक्विड क्रिस्टल्स इनकी जब हम प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं तो इसके अंदर लिक्विड वाली प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। लिक्विड वाली प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एक विस्कोसिटी होगी, ये फ्लूइड है फ्लो करेगा लिक्विड है, और इसकी सरफेस टेंशन भी होगी। ये सारी प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं? ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं लिक्विड्स की। लेकिन साथ ही साथ इस लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर कुछ क्रिस्टल्स वाली प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, जैसे कि उनके अंदर किसी हद तक एक ऑर्डर या पैटर्न जो है वो मौजूद होगा, जो उनसे उनके अंदर क्रिस्टल वाला पार्ट होगा उसके अंदर मॉलिक्यूल्स किसी ना किसी पैटर्न में अरेंज हुए होंगे। तो ये तो हो गई लिक्विड क्रिस्टल की जनरल प्रॉपर्टीज़ के उनके अंदर लिक्विड वाली प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद हैं और सॉलिड वाली प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद हैं। इसकी वजह से ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है, या लिक्विड क्रिस्टल्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपके पास एक ही मटीरियल के अंदर लिक्विड्स प्लस क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। अब क्रिस्टल की मेनली कौन सी प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं? दोज आर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। ऑप्टिकल एक जनरल टर्म है, ऑप्टिक्स से निकली है। जब भी ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल से रिलेटेड कोई भी चीज़ आए आपके जहन में बात जो आनी चाहिए वो होती है लाइट। ये लाइट से रिलेटेड होते हैं ऑप्टिक्स, ऐनक वगैरह एन ग्लासेस जो बनती हैं, और इसी तरह ऑप्टिकल लेंस होता है, ये सारी चीज़ें लाइट से रिलेटेड होती हैं। तो क्रिस्टल्स का बेसिकली ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड जो हैं वो ज़्यादातर इसके अंदर डोमिनेंट होती हैं, जिनको हम अभी इस्तेमाल भी करेंगे। तो ये सारी बातें जानने के बाद अब हम आते हैं जी लिक्विड क्रिस्टल की डेफिनेशन की तरफ। लिक्विड क्रिस्टल की डेफिनेशन ये है जी कि अ लिक्विड एंड क्रिस्टलाइन फेज, एक लिक्विड क्रिस्टलाइन किस्म का फेज जो है वो एग्जिस्ट करता है, और कब? बिटवीन टू टेम्परेचर्स। एक टेम्परेचर की रेंज होगी जिसके दरमियान वो जो आपका सॉलिड जिसको आप मेल्ट कर रहे थे या वो लिक्विड जिसको आप फ्रीज कर रहे थे ठंडा कर रहे थे, वो एक ख़ास टेम्परेचर रेंज के दरमियान लिक्विड क्रिस्टल की शक्ल में आ जाएगा। और वो टेम्परेचर दो कौन से हैं? नंबर वन इज़ मेल्टिंग टेम्परेचर एंड नंबर टू इज़ क्लियरिंग टेम्परेचर। अभी हमने कोलेस्ट्रॉयल बेंजोएट की बात की थी, उसके दो टेम्परेचर थे, 145 डिग्री सी के ऊपर वो टर्बिड हो गया था और 179 डिग्री सी के ऊपर वो क्लियर हो गया था। इसका क्या मतलब है कि 145 उसका मेल्टिंग टेम्परेचर है, क्योंकि मेल्टिंग जो उसका प्रोसेस जो है वो 145 डिग्री पे स्टार्ट हो गया, लिक्विड वहाँ पे मौजूद है, ये टर्बिडिटी शो करेगा। ये तो हो गया मेल्टिंग टेम्परेचर या मेल्टिंग पॉइंट। और जो 179 है ये मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा है, और ये टेम्परेचर है जी क्लियरिंग टेम्परेचर, जो यहाँ पे उसने बात की है ये वाला टेम्परेचर कि 179 डिग्री सी पे वो जाके क्लियर हो जाएगा। तो दो टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर और क्लियरिंग टेम्परेचर के दरमियान में जो फेज़ होगी वो लिक्विड क्रिस्टलाइन फेज़ एग्जिस्ट करेगी, और इसको हम क्या कहते हैं? लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। अब होता क्या है इस लिक्विड क्रिस्टल के फेज़ के अंदर कि आपके पास जो क्रिस्टल था उसको आपने जब गर्म किया तो वो जाना तो चाहिए डायरेक्ट लिक्विड में, लेकिन वो लिक्विड में जाने से पहले एक इंटरमीडिएट फेज में आ जाता है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसका नाम है जी लिक्विड क्रिस्टल। तो
तो ये जो लिक्विड क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल और लिक्विड पूरे मेल्टिंग के प्रोसेस के दरमियान में कुछ देर के लिए ख़ास टेम्परेचर्स के दरमियान जो है ये एग्जिस्ट करती है। अब वो कहता है जी, इसकी हिस्ट्री की बात करता है, कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 1888 में जब डिस्कवर हुआ, उसके बाद कोई 30 ईयर्स तक इस पर ज़्यादा काम नहीं हुआ और लोगों ने समझा कि ये लेबॉर्ट्री का ही, मतलब लेबॉर्ट्री तक ही ये महदूद रहा, इस पर ज़्यादा वर्कआउट नहीं हुआ कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। लेकिन अब हमारी डेली लाइफ में इसकी जो सी हैं बेशुमार एप्लीकेशंस जो सी हैं वो होती हैं, वो भी आगे हम एप्लीकेशन के पोर्शन में या इसके यूज़ के पोर्शन में जो सा है वो हम स्टडी करेंगे। अब वो बात करता है क्रिस्टल की। अभी हम जब आगे जाएंगे अपने इस चैप्टर के आखिर की तरफ, तो क्रिस्टल की कई शेप्स होती हैं, जैसे कि क्रिस्टल आपका क्यूब की शक्ल में हो सकता है, क्रिस्टल आपका हेक्सागोनल शक्ल में हो सकता है, इस शक्ल का भी हो सकता है, क्रिस्टल आपका नीडल लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो क्रिस्टल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो उनसे हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। और वो कह रहे जी वो सब्सटेंस जो कि लिक्विड क्रिस्टल स्टेट को शो करते हैं, क्योंकि लिक्विड क्रिस्टल हर एक के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप वाटर की एग्जांपल लें तो वाटर को जब हम मेल्ट करते हैं तो वाटर डायरेक्ट लिक्विड बन जाता है, कोई दरमियान में मिल्की फेज़ नहीं आता, तो वाटर लिक्विड क्रिस्टल का प्रॉपर्टी शो नहीं करता। इसी तरह कुछ सॉलिड्स हैं, अगर हम तो तमाम सॉलिड जो उनसे हैं मेल्ट होते वक्त लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करते। लेकिन वो कह रहे जी जो उनसे सॉलिड्स लिक्विड क्रिस्टल की फेज़ में चले जाते हैं, उनके जो क्रिस्टल होते हैं नॉर्मली उनके क्रिस्टल्स रॉड लाइक होते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब रॉड की तरह का उनका स्ट्रक्चर होता है। फिर वो कह रहे जी कि उनकी, अब मतलब आप अपनी बुक में अगर देखें तो तीन तरह के लिक्विड क्रिस्टल्स को जो है वो डिफाइन कर रहा है। नंबर वन इज निमेटिक, सेकेंड वन इज सिमेटिक एंड थर्ड वन इज कोलेस्ट्रिक। इस लेवल के ऊपर आपको सिर्फ इनके नेम्स याद रखने की ज़रूरत है कि ये तीन टाइप के लिक्विड क्रिस्टल जो उनसे एग्जिस्ट करते हैं। इनके अंदर फ़र्क क्या होता है, इन ये किसके ऊपर, किसको हम निमेटिक कहेंगे, सिमेटिक कहेंगे और कोलेस्ट्रिक कहेंगे, वो डिपेंड करता है उनकी नेचर ऑफ ऑर्डर के ऊपर कि वो किस तरीके से जो उनसे हैं वो उनका ऑर्डर है। तो ये सिंपल एक थोड़ी एक मतलब नॉर्मली ये चीज़ जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है कि नेम द थ्री टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, तो आपको जो उनसे इनके नाम रखने जो उनसे हैं वो याद ज़रूरी हैं। अब ये तो हो गया लिक्विड क्रिस्टल, हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट भी जो है वो पूरी तरीके से खुल के क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इनके यूजेज की तरफ कि लिक्विड क्रिस्टल जो है वो कहाँ कहाँ जो है हमारे पास डेली लाइफ में इस्तेमाल हो रहा है। इसके काफ़ी सारे इस्तेमाल हैं हमारी बायोलॉजिकल लाइफ के अंदर, हमारी मेडिसिन के अंदर, हमारे फिज़िक्स के अंदर, हमारी ऑप्टिकल लाइट सिस्टम के अंदर, तो उनको जो है हम स्टडी करते हैं। अभी हमने बात की कि नंबर वन के जो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादातर हम देखते हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दोज विच आर रिलेटेड विद द लाइट। ठीक है जी, अब लाइट का क्या मतलब है कि लिक्विड क्रिस्टल्स जो उनसे हैं वो क्या करते हैं, वो लाइट को डिफ्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ जी ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल है, तो यहाँ से जो लाइट आ रही है वो जब इसमें से गुजरेगी तो वो लाइट डिफ्रैक्ट होगी किसी भी एंगल के ऊपर। जैसे कभी आपने प्रैक्टिकल भी आप ने छोटी क्लासेज में परफॉर्म किए, प्रिज्म वाला, प्रिज्म में वाइट लाइट आती थी और ये डिफरेंट 7 कलर्स के अंदर सेपरेट हो जाती थी, और ये परफॉर्मेंस आपने प्रैक्टिकल की अपनी छोटी क्लासेज में की होगी। अब इस चीज़ को देखते हुए हम जो है लिक्विड क्रिस्टल को एज अ टेम्परेचर सेंसर इस्तेमाल करते हैं। अब पहले तो हम समझते हैं कि टेम्परेचर सेंसर क्या होता है। थर्मामीटर इज़ अ टेम्परेचर सेंसर, वो चीज़, हर वो चीज़ जो टेम्परेचर को सेंस करेगी और बताएगी कि कितना टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर सेंसर होता है। हम थर्मामीटर को इस्तेमाल करते हैं अपनी लेबॉर्ट्री के अंदर या अपने घरों में मेडिसिन के लिए। आप मुंह के अंदर थर्मामीटर रखते हैं ज़ुबान के नीचे थोड़ी देर, और जब निकालते हैं तो वो टेम्परेचर आपको बता रहा होता है। तो हम लिक्विड क्रिस्टल्स को जो है वो भी एज अ टेम्परेचर सेंसर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब होता क्या है, ये किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है उसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि लिक्विड क्रिस्टल, अगर ये एक लिक्विड क्रिस्टल है और ये इसके ऊपर लाइट आके पड़ रही है, तो जब लाइट इसमें से डिफ्रैक्ट होके निकलेगी तो आपके पास एक स्पेसिफिक कलर जो है वो आएगा इस लिक्विड क्रिस्टल का। ये सिंपल साइंस है,
क्योंकि लाइट अब हो गई है डिफ्रैक्ट, जब डिफ्रैक्ट होगी तो वो अपने कलर्स के अंदर फैल जाएगी और हर लिक्विड क्रिस्टल का जो है वो एक कलर जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा। अब टेम्परेचर बेसिकली चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये लिक्विड क्रिस्टल था, इसका टेम्परेचर पहले था, अगर मैं कहता हूँ जी ये एक टेम्परेचर है ए, ए टेम्परेचर के ऊपर इसके अंदर से जब लाइट गुजरी तो इसने इसको ब्लू कलर शो किया, अब टेम्परेचर ए से बढ़ के हो गया बी, अब बी जब चला जाएगा तो इसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल की जो सी लेयर्स पहले थी वो टेम्परेचर बढ़ने से चेंज होंगी। जाहिर सी बात है कि एक ख़ास टेम्परेचर के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 20 से 30 डिग्री सी के अंदर लिक्विड क्रिस्टल एग्जिस्ट करता है, तो 20 डिग्री के अंदर ज़्यादातर पोर्शन क्रिस्टल का होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं 30 के पास जाऊँगा क्रिस्टल ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और लिक्विड वाला पोर्शन जो सा है वो डोमिनेट करना शुरू कर जाएगा। ऐसे ही है ना, जो क्लियरिंग टेम्परेचर था उसके अंदर जाके वो क्लियर हो जाएगा, तो मतलब क्रिस्टल ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और शुरू वाले टेम्परेचर में क्रिस्टल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो अब ए से जब टेम्परेचर बी हो गया तो आपके पास क्रिस्टल के अंदर नंबर ऑफ़ क्रिस्टल्स जो उनसे हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। नंबर ऑफ़ क्रिस्टल्स डिफरेंट होने से जो लाइट डिफ्रैक्ट कर रही थी, ये जो लाइट डिफ्रैक्टेड लाइट आई है आपके पास, ये भी चेंज होगी और इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब हो सकता है ये कलर आ जाए जी रेड। तो इस तरीके से हम टेम्परेचर को सेंस कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, लिक्विड क्रिस्टल को अप्लाई करते हैं और निकलने वाली लाइट से देख के हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जी अब इसके अंदर कितना क्रिस्टल मौजूद है और उसका टेम्परेचर क्या होगा। फॉर एग्जांपल ज़्यादा क्रिस्टल अगर ब्लू शो करते हैं, और ब्लू ज़्यादा क्रिस्टल का मतलब है कि ये 20 डिग्री सी के पास है, तो अगर तो लाइट ब्लू आ रही है तो हम कहेंगे जी इसका टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सी है, टेम्परेचर को हमने सेंस कर लिया, टेम्परेचर सेंसर के तौर पे लिक्विड क्रिस्टल काम किया। और अगर रेड लाइट आ रही है तो हम कहेंगे जी ये 30 डिग्री सी टेम्परेचर है इस एरिया का। तो इस तरीके से हम अपनी लाइट को इस्तेमाल करते हुए लिक्विड क्रिस्टल के थ्रू एज अ टेम्परेचर सेंसर जो है वो हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरीके से आपने अगर देखा हो, अभी पुराने ज़माने में तो हमारे पास टिपिकल थर्मामीटर होते थे, लेकिन अब डॉक्टर्स जो उनसे हैं आजकल यूज़ करते हैं वो एक इस तरह का थर्मामीटर होता है, एक स्ट्रिप होती है जिसके अंदर इस तरह के ब्लॉक्स बने होते हैं और यहाँ पे डिफरेंट कलर होता है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल रेड है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है और ये येलो, इस तरीके के डिफरेंट कलर जो उनसे हैं वो होते हैं। ये स्ट्राइप उठा के वो आपके माथे पे रखता है और इनमें से कोई एक कलर जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है और वो कलर को देख के उसे पता लगा, फॉर एग्जांपल येलो कलर आ रहा है तो वो कहता है जी आपको 101 बुखार है। ये कैसे पता लगा, इसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल होता है, वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर से जो है टेम्परेचर को उठाता है और उस टेम्परेचर के मुताबिक जो सी लाइट उसमें से निकलनी होती है वो वाला एरिया रोशन होना शुरू हो जाता है और टेम्परेचर का डॉक्टर को पता लग जाता है। तो ये एक बेसिक एग्जाम्पल थी लिक्विड क्रिस्टल्स की हमारी डेली लाइफ में। फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, सेकंड एग्जांपल आपके बुक में दे रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ये जो सर्किट्स होते हैं आपकी, उनके अंदर कहीं पे फेलियर आ जाए, अब आपको पता है कि जहाँ पे फेलियर होता है या किसी सर्किट के अंदर जहाँ पे जो है मसला आ रहा होता है वहाँ पे या तो शॉर्ट सर्किट होता है या कुछ भी होता है, वहाँ पे टेम्परेचर का बाकी जगहों पे डिफरेंस होता है। एक तार के अंदर अगर करंट गुजर रहा है तो उसका एक खास टेम्परेचर होगा, और अगर यहाँ पे जंक्शन पे कोई चीज़ रिजिस्ट कर रही है तो वहाँ पे टेम्परेचर हो सकता है और भी ज़्यादा हो। तो उस टेम्परेचर को इस्तेमाल करते हुए सेम पुराने तरीके से हम ये पता चला लेते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर फॉल्ट किधर है, किस जगह पर टेम्परेचर ज़्यादा या कम आ रहा है, क्योंकि जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा या कम आएगा फॉल्टी जगह या फेलियर की जगह वही होंगी, या तो वहाँ पे कनेक्शन डिसकनेक्ट हो रहा होगा, करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा या करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा होगा, तो जो भी होगा हम उसके फेलियर का जो है लिक्विड क्रिस्टल के थ्रू पता करा लेते हैं। इसी तरह वो कहता है रूम टेम्परेचर, रूम थर्मामीटर्स के अंदर, ये जो हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये जो रूम थर्मामीटर के तौर पर चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं नए, अब इसके अंदर भी जो है वो लिक्विड क्रिस्टल जो से आपके इस्तेमाल हो रहे हैं। अब तीसरा यूज़ आता है मेडिसिन के अंदर, मेडिकल यूज़। अब मेडिकल यूज़ क्या है इसका, वो हम देख लेते हैं जी। वो कहता है जी कि लोकेट करने के लिए अगर फॉर एग्जांपल किसी बॉडी के अंदर ट्यूमर है या वेन्स या आर्टरीज़ को हमने लोकेट करना है किसी बॉडी के अंदर या किसी सरफेस के ऊपर, अगर किसी भी बॉडी का सरफेस है और हम चाहते हैं कि देखें कि वेंस किधर किधर मौजूद हैं, आर्टरीज़ किधर हैं या कोई ट्यूमर किधर मौजूद है, तो हम लिक्विड क्रिस्टल को जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अब आपकी बुक में वर्ड यूज़ कर रहा है स्किन थर्मोग्राफी।
लेकिन थर्मोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि एक बंदा है, एक पेशेंट है जिसको कैंसर है, और उसके चेस्ट के ऊपर हमने चेकआउट करना है कि ट्यूमर किस किस जगह पर मौजूद है। अब ये जो ट्यूमर होते हैं नॉर्मली इनका टेम्परेचर जो है ना, ट्यूमर का टेम्परेचर इज हायर देन बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मली क्या होता है, जितने भी आपके ट्यूमर्स होते हैं या कैंसर वाले पार्ट्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, उनका टेम्परेचर आम बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। अब जब आम बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो हम स्किन थर्मोग्राफी के अंदर क्या करेंगे, हम उसकी चेस्ट के ऊपर लिक्विड क्रिस्टल का पेंट कर देंगे, लिक्विड क्रिस्टल की पेंटिंग या पेस्ट कर देंगे उसको, हम उसकी पूरी छाती के ऊपर लिक्विड क्रिस्टल को मल देंगे। अब उससे होगा क्या कि जहाँ जहाँ पे ट्यूमर होगा वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से उस एरिए का कलर बाकी पेंटिंग के कलर से, लिक्विड क्रिस्टल के कलर से डिफरेंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बॉडी पार्ट का एरिया था, ये उस इंसान की जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी कि ये उसका सीने का एरिया था जिसको हमने पेंट कर दिया, सारा का सारा हमने पेस्ट कर दिया लिक्विड क्रिस्टल। अब लिक्विड क्रिस्टल का नॉर्मल कलर फॉर एग्जांपल अगर वाइट था, तो जिस जिस एरियाज़ में ट्यूमर होगा वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और हो सकता है वो वाले सारे एरियाज़ जो उनसे हैं वो आपके पास रेड होना शुरू हो जाएं, हल्के से पिंकिश या रेडिश, एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको पता लग जाएगा जी इस एरिया में ट्यूमर मौजूद है, इस एरिया में और इस एरिया में ट्यूमर मौजूद है। तो आपने डायग्नोज कर लिया कि ट्यूमर जो उनसे है कहाँ कहाँ मौजूद है, और ये टेक्निक जो है ये अभी भी इस्तेमाल होती है और वन ऑफ द मोस्ट इफ़ेक्टिव टेक्निक है, स्पेशली इन केस ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। ये जो छाती का कैंसर होता है इसकी डायग्नोसिस में, इसको डायग्नोस करते वक्त जो है लिक्विड क्रिस्टल की हम काफ़ी सारी एग्जांपल जो सी हैं वो देखते हैं। आप पेंट कर देते हैं बॉडी को, और फिर जो जौन सा एरिया में ट्यूमर मौजूद होता है उसका टेम्परेचर चूँकि ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से लिक्विड क्रिस्टल का टेम्परेचर भी, उसका कलर जो है वो डिफरेंट होना शुरू हो जाएगा। तो आपको पता लग जाएगा जी यहाँ पर जो है ट्यूमर मौजूद है। इसके बाद एग्ज़ाम्पल आती है जी इलेक्ट्रॉनिक्स में, नंबर फोर इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या होता है कि आपकी आजकल कितनी सारी, आपने LCD का नाम सुना होगा, LCD जो कि एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर नए TV और आपके लैपटॉप्स की स्क्रीनें और आपके मोबाइल की स्क्रीन्स होती हैं, इसका नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये जो हम कहते हैं ना जी LCD है, हमारे घरों में मॉनिटर्स हैं, टीवी हैं, उनके अंदर LCD की टेक्नोलॉजी मौजूद है। LCD इज़ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, नाम से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं, और पीछे से जो है आने वाले इलेक्ट्रॉन्स और टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से हमें डिफरेंट कलर्स का स्पेक्ट्रम जो है हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र आता है, जो रंगीनी नज़र आती है, दैट इज़ ड्यू टू लिक्विड क्रिस्टल। और ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो सी है वो डिवाइसेज है। इसी तरह आपकी डिजिटल वॉचेज़ के अंदर, आपके लैपटॉप्स, टीवी, मोबाइल्स, आपके कैलकुलेटर्स, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की गैजेट्स हैं जिनके अंदर स्क्रीन चाहिए होती है कलर्ड, उनके अंदर ये टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये इस्तेमाल जो सी है वो हो रही है। बेसिकली क्या होता है, टेम्परेचर, प्रेशर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, EM जो फील्ड्स होती हैं, ये ओवरऑल जब इफ़ेक्ट करती हैं आके स्क्रीन के ऊपर मौजूद लिक्विड क्रिस्टल्स के ऊपर, तो वो डिफरेंट कलर डिफरेंट एरियाज़ में शो करते हैं, और जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट कलर्स जो उनसे हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी जो है लिक्विड क्रिस्टल की हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल हो रही है। इसी तरीके से वो कह रहे जी आखिरी बात क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी जो है ये डिटेल में हम चैप्टर नंबर सेकंड चैप्टर में पढ़ के आए हुए हैं। क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते थे, इसको थोड़ा सा मैं रिवाइज़ कर दूं कि एक स्ट्रिप लेते थे जिसके अंदर इंक का पोर्शन रखते थे, नीचे से इसको लिक्विड के अंदर डाल देते थे, ये लिक्विड ऊपर राइज करता जाता था और साथ में जो है मिक्सचर सेपरेट होता जाता था, हमें पता चल जाता था कि अगर एक इंक है तो इंक के अंदर कितने कलर्स मौजूद हैं, वो डिफरेंट हमें पता लग जाते थे। उसकी सारी डिटेल हम सेकंड चैप्टर में पढ़ के आए हुए हैं, उसके लिए अगर आप चाहें तो पुराने चैप्टर में, पुराने टॉपिक
क्रोमेटोग्राफी के थर्ड सेकंड चैप्टर के आखिरी टॉपिक में जाके उसको भी स्टडी कर सकते हैं मज़ीद डिटेल में। अब उसके अंदर अगर आपको याद हो तो क्रोमेटोग्राफी के अंदर दो चीज़ें होती थी, एक होता था मोबाइल फेज़ और एक होता था स्टेशनरी फेज़। ये मोबाइल फेज़ में सॉल्वेंट मौजूद होता था नॉर्मली, जिसमें सॉल्वेंट जो है वो मूव करता था। मोबाइल फेज़ का मतलब है मूविंग फेज़, और स्टेशनरी फेज़ का मतलब है जो चीज़ रुकी हुई है, नॉन स्टॉप स्टॉप्ड जोन सी है, जो कि मूव नहीं कर रही। इसके अंदर लिक्विड या गैस आ जाते थे। तो वो कहता है जी कि जो लिक्विड क्रिस्टल हैं वो एज अ सॉल्वेंट हमारे पास क्रोमेटोग्राफी के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो ये एक इसका और आखिरी यूज़ था, इसी तरह टीवी वगैरह में हर जगह इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हमारा लिक्विड का पोर्शन जो सा है, लिक्विड लिक्विड्स का जो पार्ट था चैप्टर नंबर 4 का, वो एंड हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करना शुरू करेंगे सॉलिड्स, उनकी टाइप्स, उनकी प्रॉपर्टीज़, और फिर वो चैप्टर हमारा एंड की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर लिक्विड वाला पोर्शन ख़त्म हो गया, ये हमारा आखिरी टॉपिक था रिलेटेड टू लिक्विड क्रिस्टल, जिसको मैं समराइज़ कर दूँ। क्या होता है कि दो टेम्परेचर रेंजेस के दरमियान में लिक्विड और क्रिस्टल आपस में को एग्जिस्ट करते हैं और एक ख़ास प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, जिसके अंदर लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद होती हैं। और उन दोनों प्रॉपर्टीज़ को जब हम इस्तेमाल करते हैं अपने यूज़ के लिए, तो इसके बेशुमार यूज़ आ जाते हैं मेडिसिन में, कैंसर ट्यूमर्स को डायग्नोज करने के लिए, हमारी टीवी की स्क्रीन्स वगैरह के लिए टेम्परेचर सेंसर के तौर पर, और ये क्रोमेटोग्राफी में सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था लिक्विड्स के पोर्शन का।